आज की जो वीडियो है वो बिगनर्स लोगों के लिए है। इस वीडियो पर हम क्रॉस कट मेथड पे बेस बनाना सीखेंगी। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया गया है, सो हो सके पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। 10.5 फीट में ऑरेंज कलर पे मैंने 42 वायर्स और वायलेट कलर पे मैंने 16 वायर्स को कट कर लिया है। ठीक है, सभी वायर भी सेम मेजरमेंट पे ही कट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अमी नाट को लगाना स्टार्ट करेंगे। सो एक नाट को लगाने के लिए अमी दो वायर कंपलसरी है, सो मैंने दो वायर को ले लिया। उसको इस तरीके से नीचे के एंड को बराबर रखते हुए फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद देखिए लेफ्ट में एक वायर, राइट में एक वायर, सो राइट वायर को लेकर लेफ्ट वायर के ऊपर इस तरीके से डालना है। उसके बाद नीचे जो वायर है ना उसके बैक वायर को लेना है। ठीक है, बैक वायर को लेकर इस तरह से ऊपर रखना है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे जो वायर है ना उसकी भी जो फ्रंट में एक वायर होता है और बैक में एक वायर होता है, सो हमें क्या करना है इस तरह से जो नीचे वाली वायर को लेकर, ठीक है, या बैक वायर को लेकर इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नाट को टाइट कर लेना है। ये बेसिक नाट है, इसको लगाना बहुत ईजी है। ठीक है, चारों वायर को भी हमें एक साथ खींच के हमें इस नाट को टाइट कर लेना है। नाट को लगाने के बाद यहाँ पे देखिए जो ऊपर नीचे दो वायर है ना उसको, उसकी लेंथ को चेक करना है और साइड में दो वायर है उसकी लेंथ को चेक करना है। सो हमें कैसे चेक करना है, जो ऊपर नीचे दो वायर को इस तरीके से एक साथ पकड़ते हुए नीचे तक आना है। इसकी जो लेंथ है हमें चेक करना है, देखिए लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बराबर है। तो सेम ऐसे हमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे दो वायर है ना उसको भी सेम ऐसे पकड़ते हुए, देखिए इस तरह से एक साथ पकड़ते हुए उसके नीचे के एंड को चेक करना है। यहाँ पे देखिए इसकी जो लेंथ है वो एक वायर ऊपर नीचे हो गया है, यानी सेम नहीं है, तो वो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, जो लंबी वाली वायर को इस तरीके से लूज कीजिए, जिस वायर छोटी है सो छोटी वाली वायर की तरफ खींच के हमें इस नाट को टाइट कर लेना है। इस तरीके से हमें नाट को एडजस्ट करके वायर को हमें बराबर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ऑरेंज कलर नाट को लगा के दिखा दिया, सो मैंने यहाँ पे वायलेट कलर वायर को लिया है। सेम ऐसे हमें दो वायर को लिया है, उसको इस तरीके से नीचे के इनको बराबर रखते हुए मैंने फोल्ड कर दिया है। ठीक है, सो मैंने दूसरा वायर को भी सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेती हूँ। सो यहाँ पे बेसिक नाट को लगाने के लिए अम्मी दो वायर कंपलसरी चाहिए, तो इसलिए मैंने दो वायर को लिया है। ठीक है, दो वायर को लेकर सेम ऐसे लेफ्ट वायर के ऊपर राइट वायर को इस तरीके से डालना है। डालने के बाद नीचे वाले वायर पे बैक वायर को लेना है। ठीक है, बैक वायर को लेकर इस तरह से ऊपर रखना है। उसके बाद जो साइड में भी बैक वायर को लेकर इस लूप के अंदर डाल के हमें बस इतनी सी है, उसके बाद इस नाट को टाइट कर लेना है। ठीक है, नाट को बनाने के बाद हमें ऊपर नीचे वायर को एक साथ पकड़ते हुए इसकी लेंथ को देखना है, ये बराबर नहीं है, एक वायर लंबी और दूसरी वायर छोटी हो गया है, तो इसलिए हमें क्या करना है, जो लंबी वायर को एक पकड़ते हुए आना है, इस तरह से लूज करके छोटी वाली वायर की तरफ खींच लेना है। ऐसा करने के बाद वापस हमें इन दोनों वायर की लेंथ को चेक करना है, देखिए बराबर हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, साइड में दो वायर को इस तरीके से एक साथ पकड़ते हुए आना है और नीचे की जो लेंथ है एक वायर की लेंथ ज़्यादा हो गया है, सो लंबी वायर को लूज करके छोटी वाले वायर की तरफ खींच लेना है। सो वापस हमें इसकी लेंथ को चेक करना है। सो सेम ऐसे हमें यहाँ की सभी वायर्स पे भी नाट को लगाना है, पर एक चीज़ को ध्यान रखिए हमें सेम कलर पे ही नाट को लगाना है। वॉयलेट कलर वायर पे वॉयलेट कलर नाट को बना के तैयार कर लेना है और ऑरेंज कलर वायर पे ऑरेंज कलर नाट को बना के तैयार कर लेना है। सो वॉयलेट पे हमें टोटल 8 नाट मिलेगा और ऑरेंज पे हमें 21 नाट्स मिलेगा। ठीक है, तो इस नाट को हमें एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। सो अलग अलग से हमने नाट को बना के तैयार कर लिया है। ठीक है, सो उसके बाद हमें स्टार्टिंग करना है। सो पहले हमें वॉयलेट कलर नाट को लेना है, उसके बाद ऑरेंज कलर नाट को लेना है। सो पहले स्टार्टिंग वॉयलेट कलर नाट से ही स्टार्ट करना है, तो वॉयलेट कलर नाट होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए, उसके बाद राइट साइड रखना है ये ऑरेंज कलर नाट इस तरीके से, उसकी नाट की जो साइड पे ऐसे रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक क्रॉस हो रहे वायर, ठीक है, और नीचे की तरफ दो वायर क्रॉस हो रहे। सो ऊपर की क्रॉस हो रहे वायर पे ऊपर में एक नाट और नीचे में एक नाट को हमें लगाना है।
देखिए दोनों नॉट को इस तरीके से रखना है, रखेंगी तो देखिए ऊपर दो वायर और नीचे दो वायर, ठीक है। इस इन दोनों वायर को लेकर उसको लेकर हमें नॉट को लगाना है। सो पहले वायलेट कलर वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद जिस वायर उसके ऊपर क्रॉस हो रही थी ना उस वायर को लेकर इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को इस तरह से ऊपर रख के पकड़ लेना है, उसके बाद जो पहले हमने ऑरेंज कलर वायर को फोल्ड किया था उसको लेकर इस लूप के अंदर डाल देना है। मैंने बस दो ही वायर को लेकर यहाँ पे नॉट को लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से टाइट कर लेना है, हमें ऊपर की दो वायर को लेकर नॉट को लगा के इस तरीके से हमने टाइट कर लिया है। अब हमें क्या करनी है, नीचे की तरफ इस तरीके से इसको पलट लेना है, ठीक है। नीचे दो वायर है ना, उन दोनों वायर पे भी नॉट को लगाना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर की वायर पे नॉट को लगा दिया, सो नीचे की वायर पे यहाँ पे इन दोनों वायर को लेकर नॉट को लगाना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको पलट लेना है, पलटने के बाद आप नॉट को लगाना है। सो पहले ऑरेंज वायर को फोल्ड करना है, उसके ऊपर वायलेट वायर को इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद वायलेट कलर वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ नॉट को लगा के कंप्लीट करने के बाद वापस हमें इसको पलट कर रख लेना है। सो वायलेट कलर नॉट है ना वो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, ऐसे रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने ऑरेंज कलर नॉट को लिया, लेकर इसको हम यहाँ पे जॉइन करेंगे। सो सेम ऐसे हमें इस तरीके से इसकी साइड पे रखना है, ठीक है। जो ऑरेंज कलर नॉट है ना पहले उसकी साइड पे रखिएगा इस तरह से, देखिए उस पर दो वायर ऊपर की तरफ दो वायर क्रॉस हो रहे हैं और नीचे की तरफ दो वायर क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर की दो वायर को लेकर हमें नॉट को लगाना है और नीचे की दो वायर को लेकर हमें नॉट को लगाना है। सो पहले हमें क्या करना है, ऊपर की वायर पे पहले वायर को फोल्ड कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट नॉट की वायर को इस तरीके से इसके ऊपर रख के देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया। उसके बाद पहले हमने फोल्ड किया था उस वायर को लेकर इस तरह से ऊपर रखना है, उसके बाद हमें सेकेंड में फोल्ड किया था ना उस वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है, ठीक है। इसको टाइट करना बहुत ईजी है, पहले हमें इस तरीके से करेगा वायर को, उसके बाद इस तरह से टाइट कर लेना है। सेम ऐसे हमें यहाँ पे भी लूज करना है, उसके बाद टाइट कर लेना है, तो नॉट है ना वो बहुत इजी तरीके से टाइट हो जाएगा। सो हमें ऊपर की तरफ नॉट को लगा दिया और नीचे की दो वायर क्रॉस हो रही है ना वहाँ पे हमें एक नॉट को लगाना है। सो उसके लिए हमें बेस को पलट कर नॉट को लगाना है। नीचे की तरफ नॉट को लगाने के लिए मैंने इसको पलट लिया है। यहाँ पे पहले हमें स्टार्टिंग लेफ्ट वायर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हमें राइट वायर को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद जो सेकेंड में फोल्ड किया था उस वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है। नीचे की तरफ हमें नॉट को लगाने के बाद वापस इसको सेम पोजीशन में रख लेना है, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए ये वायलेट कलर नॉट। सो यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज कलर नॉट, ठीक है। वापस मैंने एक और नॉट को लिया है, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर नॉट को लिया। सो नॉट देखिए थोड़ा लूज हो जाते हैं। सो हमें क्या करना है, चारों वायर को खींच के इस नॉट को टाइट करने के बाद यहाँ पे हमें अटैच करना है। सो यहाँ पे देखिए दो वायर है, इन दोनों वायर को हम इसकी जो नॉट की साइड पे रख, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ दो वायर क्रॉस हो रहे हैं और नीचे की तरफ दो वायर क्रॉस हो रहे हैं। सो हमें ऊपर की दो वायर को लेकर हमें नॉट को लगाना है। सो पहले वायर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद जो इसके ऊपर क्रॉस हो रही थी ना उस वायर को यहाँ पे ऐसे रख के इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें पहले फोल्ड किया था ना उस वायर को देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया, उसके बाद हमने पहले फोल्ड किया उसको इस तरह से ऊपर रखना है, उसके बाद हमें सेकेंड में फोल्ड किया उसको इस लूप के अंदर डाल देना है। डालने के बाद हमें सो पहले वायर को पीछे खींचना है, देखिए इस तरह से पीछे खींच के उसके बाद हमें फ्रंट खींच लेना है। सो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी वायर को इस तरह से पीछे की तरफ कर लेना है, उसके बाद खींच के उसके बाद हमें वापस फ्रंट की तरफ खींच के इस नॉट को टाइट कर लेना है। नॉट को लगा दिया, अब यहाँ पे इस तरीके से इसको पलट कर नीचे की तरफ हम नॉट को लगाएंगे। सो पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड वायर को फोल्ड कर लेना है, उसके बाद राइट वायर को इसके ऊपर फोल्ड करके हमें उसके बाद पहले फोल्ड
क्या था ना, उस वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद सेकंड में फोल्ड किया, उसको इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है। सो सेम प्रोसेस है, नॉट को लगाना, ऐसे हमें कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वॉयलेट नॉट और उसके बाद तीन ऑरेंज नॉट को अटैच कर लिया है। सो वापस मैंने यहाँ पे ये वॉयलेट कलर नॉट को लिया है, ठीक है। वॉयलेट कलर नॉट को लेकर वापस मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, सो 4 नॉट को अटैच कर लिया, ये फिफ्थ नॉट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वॉयलेट कलर नॉट को ले रही हूँ, यहाँ पे इसकी साइड पे ऐसे रख रही हूँ और ऊपर की दो वायर क्रॉस हो रहे हैं और नीचे की दो वायर क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने ये जो लास्ट वाली नॉट पे वायर आ रहा है ना, उसी पे ही नॉट को लगाना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद सेकेंड में इस वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद पहले हमने फोल्ड किया था उसको इस तरह से ऊपर रखना है, उसके बाद सेकेंड में हमने फोल्ड किया था ये वॉयलेट कलर वायर को इस लूप के अंदर डाल देना है। डालने के बाद हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है, ठीक है। इसकी जो सेम प्रोसेस है, ठीक है, पहले हमें वॉयलेट नॉट से स्टार्ट करना है, उसके बाद तीन ऑरेंज नॉट, उसके बाद फिर से मैंने वॉयलेट नॉट पे अटैच कर रही हूँ। ये जो वॉयलेट नॉट कंप्लीट होने के बाद वापस हमें तीन ऑरेंज कलर नॉट को अटैच करना है। नीचे की तरफ देखिए, मैंने ये जो सेकेंड वायर है ना, उस पर नॉट नहीं लगा रही हूँ, ये जो पहला जो वायर है ना, उसी पर ही नॉट को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे नॉट को लगाने के बाद मैंने इसको पलट कर रख दिया है। सो मैंने नेक्स्ट जो नॉट है वो ऑरेंज कलर नॉट को ले रही हूँ। ऑरेंज नॉट को लेकर इसकी जो पास में इसे रखना है, रखने के बाद ऊपर की जो दो वायर और नीचे की दो वायर, इन दोनों वायर पे मैं नॉट को लगाना है, ठीक है। वापस हमें इस वॉयलेट कलर को फोल्ड किया, उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से रख के इस तरह से पकड़ लीजिएगा, उसके बाद इस वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद ये जो सेकंड में फोल्ड किया उस वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें वापस नीचे की तरफ दो वायर है ना, उन दोनों वायर पे भी नॉट को लगाना है, ठीक है। पलट कर हमें नॉट को लगाने के बाद सेम पोजिशन में हमें इसको पलट कर रख देना है। ऊपर की तरफ नॉट को लगा दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे नीचे की तरफ नॉट को लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर नॉट को लिया है, ठीक है। ऑरेंज कलर नॉट को लेकर इसकी इस तरीके से रखना है, रखने के बाद ऊपर में दो वायर और नीचे भी दो वायर को लेकर हमें नॉट को लगाना है। सो आपको नॉट को लगाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नॉट लगाना आपको आ गई तो बहुत इजी में आप इसको बनाकर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बस ऐसे ही पहले जो वॉयलेट नॉट से स्टार्ट करना है, उसके बाद तीन ऑरेंज नॉट, उसके बाद वापस मैंने वॉयलेट नॉट को अटैच किया, उसके बाद वापस मैंने तीन ऑरेंज नॉट को अटैच करना है। ऊपर की तरफ मैंने नॉट को लगा दिया, अब इसको टर्न करके मैंने नीचे की तरफ भी नॉट को लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बस बेसिक नॉट को लगा रही हूँ। सो बेसिक नॉट लगाना बहुत ईजी है, तो बस आप नॉट को लगाते हुए जाना है, एक एक नॉट को अटैच करना है, ठीक है। नॉट को अटैच करना, ऊपर की दो वायर को अटैच करना है और नीचे की दो वायर को अटैच करेंगे तो ये नॉट यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। सो उसी तरीके से हमें यहाँ की सभी नॉट को भी लेकर एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। नेक्स्ट नॉट ऑरेंज कलर नॉट को ले रही हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे रखना है और ऊपर में एक नॉट, नीचे पे एक नॉट को लगाना है, ठीक है। अब मैं टर्न करके नीचे की तरफ भी नॉट को लगा रही हूँ।
यहाँ पे देखिए हमने पहले वायलेट लगाया था, उसके बाद हमने 3 ऑरेंज, वापस वायलेट, उसके बाद 3 ऑरेंज, फिर से मैंने यहाँ पे वायलेट कलर को यहाँ पे अटैच करूँगी। पहले जैसे यहाँ पे भी हमें ऊपर एक नॉट और नीचे की तरफ एक नॉट को लगा के इस जो नॉट को हमें अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमने वायलेट कलर नॉट को अटैच कर लिया है, सो उसके बाद हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर नॉट को लेना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें 3 ऑरेंज कलर नॉट को अटैच कर लेना है, ठीक है। सो वापस हमें वायलेट, उसके बाद 3 ऑरेंज, ये जो पैटर्न है ऐसे हमें कंटिन्यू कर। एक वायलेट नॉट, उसके बाद हमें 3 ऑरेंज नॉट लगाने के बाद हमें ऐसे ही इस पैटर्न को कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। सभी नॉट को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने वायलेट नॉट से स्टार्ट किया, उसके बाद 3 ऑरेंज, वापस वायलेट, उसके बाद 3 ऑरेंज, ऐसे हमने कंटिन्यू करते हुए लास्ट तक आ गया है। सो यहाँ पे हमने लास्ट में एक नॉट को अटैच करूँगी, वो वायलेट कलर नॉट को लास्ट में अटैच करूँगी। सो यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा वायलेट नॉट में स्टार्ट हुआ, सो एंड भी हमारा वायलेट नॉट से ही एंड होना चाहिए। सो एंड होने के बाद यहाँ पे जो इस बेस की जो सेंटर लाइन है वो पूरा बनकर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी नॉट्स को हमने अटैच कर लिया, अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बेस की सेंटर लाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो नॉट कैसे बनी है मैं बताती हूँ। सो एक नॉट के साथ दूसरी नॉट को अटैच करने के लिए ऊपर में एक नॉट को लगा दिया और नीचे पे एक नॉट को लगा दिया, ऐसे हमने पूरा कंटिन्यू कर लिया है। सो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहले हमने सेंटर लाइन के ऊपर पे नॉट्स को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे बेस के आधा पोर्शन को, उसके बाद नीचे की तरफ हमने नॉट्स को लगाएंगे। इस तरीके से देखिए ये जो पहला नॉट है, जो वायलेट कलर नॉट है वो पहला लाइन समझ लीजिए, उसके ऊपर जो सेकेंड लाइन है, उसके बाद देखिए साइड में जो वायर को हमने निकाल कर रखी है उस वायर पे हम नॉट को नहीं लगाएंगे, ठीक है, उन दोनों वायर को छोड़कर। उसके बाद उसी नॉट में जो राइट हैंड साइड पे एक वायर जा रहे हैं ना, उसी नॉट पे हम नॉट को लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, साइड में दो वायर को स्किप कर लेना है, ठीक है। इन दोनों वायर को हम इसलिए स्किप करते हैं ताकि इन दोनों वायर एक दूसरे से क्रैश नहीं होते और ये किसी भी
वायर से क्रॉस नहीं होते, ठीक है। जो साइड में हमें दोनों वायर को छोड़ दिया, छोड़कर उसके बाद इस नॉट में जो राइट हैंड साइड पे वायर है ना उसको पहले फोल्ड करना है, उसके बाद नेक्स्ट नॉट में एक वायर है उसको फोल्ड करना है, जिससे स्वर क्रॉस हो रहे हैं उन वायर पे हमें नॉट को लगा लेना है। सो पहले वायर को मैंने फोल्ड किया, उसके बाद नेक्स्ट नॉट के वायर को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड किया, उसके बाद देखिए नीचे वायर को ऊपर रख दिया, उसके बाद देखिए सेकंड में हमने फोल्ड किया, उसको इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है, ठीक है। देखिए हमने पहला नॉट की एक वायर और सेकेंड नॉट की एक वायर, इन दोनों वायर को लेकर हम इस नॉट को लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक नॉट को लगा दिया, यहाँ पे हमने एक नॉट को लगा दिया, उसके बाद देखिए हमने नेक्स्ट नॉट को लगा रही हूँ, नेक्स्ट दो वायर को लेकर हमें नॉट को लगाना है। सो पहला वायर को लेकर फोल्ड करना है, उसके बाद देखिए सेकेंड में एक वायर को लेकर इसके ऊपर फोल्ड करना, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद हमने फोल्ड किया उसको लूप के अंदर डाल के इस नॉट को टाइट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने पहला नॉट और सेकेंड नॉट दोनों को लगा दिया, सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी नॉट में दो वायर आते हैं, ठीक है। सो उन दोनों वायर पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉट को लगा लेना है और राइट हैंड वायर पे राइट हैंड साइड पे नॉट को लगा लेना है। देखिए इन दोनों वायर इस तरीके से क्रॉस होते हैं, तो इन दोनों वायर को लेकर हमें नॉट को लगा लेना है। यहाँ पे मैंने नॉट को लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट नॉट को लगाने के लिए नेक्स्ट दो वायर इस तरीके से क्रॉस होते हैं, इन दोनों वायर को लेकर हमें यहाँ पे नॉट को लगाना है और नेक्स्ट दो वायर को लेकर हमें यहाँ पे नॉट को लगाना है। इसी तरीके से यहाँ की जो सभी दो दो वायर को लेकर नॉट को लगा के इस रो को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो वायर क्रॉस हो रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, सो इन दोनों वायर पे भी नॉट को लगा लेना है। ये जो तीसरी लाइन पूरा को भी हमें इसी तरीके से दो दो वायरों को लेकर नॉट को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सभी वायर्स पे भी नॉट को लगाना दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी स्टेप में डाउट ना रहे, ठीक है। ये बहुत इजी स्टेप है, पहले वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद उसके ऊपर हमें नेक्स्ट नॉट के वायर को इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को ऊपर रखना है, उसके बाद साइड में जो वायर है उसको इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नॉट को टाइट कर लेना है। सो ऐसे हमें यहाँ की जितने भी वायर है सभी वायर पे भी हमें सेम ऐसे ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पर देखिए ये जो वायलेट कलर नॉट है ना वो सेंटर लाइन है, ठीक है, उसी से हम काउंटिंग करेंगे, जो पहला लाइन और उसके बाद सेकेंड लाइन उसके बाद थर्ड लाइन। सो ये थर्ड लाइन को पूरा को भी हमने यहाँ तक बना लिया और भी हमें दो दो वायरों को लेकर नॉट को बनाकर इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। हमने लास्ट नॉट तक आ गया है, सो लास्ट दो वायर को लेकर हमें नॉट को लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए साइड में दो वायर है ना, जो लास्ट में हमने वायलेट नॉट को अटैच किया था वो वाली नॉट है, और उसके ऊपर जो नॉट है वो सेकेंड लाइन है, ठीक है। जो यहाँ पे हम थर्ड नॉट को लगा लेंगी तो ये थर्ड लाइन पूरा बनकर कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ पे नॉट को लगाने के बाद आप देख सकते हो उसके बाद आपको कोई भी वायर क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों वायर को लेकर नॉट को लगाते हैं तो नॉट के बीच में जो गैप है ना वो ट्रायंगल शेप में दिखेगा, ठीक है, वो ठीक नहीं है। हमें इस तरह से देखिए स्क्वायर शेप में दिखना चाहिए, तभी जो नॉट सब कुछ सही जहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ये जो वायलेट कलर नॉट है ना उसी से काउंटिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे हमें तीन लाइन बना दिया है, उसके बाद हम फोर्थ लाइन की स्टार्टिंग करेंगे। ये जो देखिए थर्ड नॉट जो है ना, थर्ड लाइन की फर्स्ट नॉट, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में एक वायर आ रहे हैं ना उन वायर से हमें स्टार्ट नहीं करना इस तरीके से, ठीक है। साइड में जो वायर है ना उसको छोड़कर हमें राइट हैंड साइड पर एक वायर है ना उस वायर को लेकर हमें नेक्स्ट वायर के साथ अटैच करके यहाँ पर एक नॉट को लगाना है। फोर्थ लाइन पे हमने पहला नॉट को लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट दो वायर है ना इन यहाँ पे दो नॉट की नेक्स्ट दो वायर को लेकर यहाँ पे भी एक नॉट, उसके बाद यहाँ पे एक नॉट दो वायर से यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जो सभी दो दो वायर को लेकर नॉट को लगा लेना है। जो फोर्थ लाइन है ना वो कंप्लीट होने के बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। फोर्थ लाइन पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है, फिफ्थ लाइन की स्टार्टिंग करेंगी। यहाँ पे चार वायर आ गया है, चार वायर को साइड पे देखिए यहाँ पे फोर वायर दिख रहे हैं, ठीक है। जो फोर्थ नॉट की राइट हैंड साइड पे वायर
आ रही है उसको लेकर हमें नॉट को लगा के यहाँ पे फिफ्थ लाइन की पहला नॉट को लगा के स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दो दो वायर को लेकर हमें एंड तक जाना है। लास्ट में भी साइड पे ऐसे हमें वायर आता है, ठीक है। वायलेट कलर नॉट है ना, उसी से काउंटिंग करेंगी। तो नीचे से पांच लाइन तक बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन से भी काउंटिंग करूँगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिक्स लाइन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला हमने स्टार्ट किया था सेम ऐसे हमें, और पांच लाइन ऑलरेडी है सेंटर लाइन से काउंटिंग करके, उसके ऊपर और भी हमें पाँच लाइन को बना लेना। सो पूरा सेंटर लाइन से काउंटिंग करके हमें दस लाइन होना चाहिए। बैक के बेस की आधा पोर्शन को हमें ऊपर की तरफ नॉट को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने बाकी बचा आधा पोर्शन को नीचे की तरफ पलटकर हमें नॉट को लगाकर कंप्लीट करना है। जो साइड पे भी वायर इस तरीके से निकलता है वो क्रॉस नहीं होता है, उसको स्ट्राइट में जाता है, उसको हमें छोड़ देना है। उसके बाद ऊपर में जो वायर है ना, जो हमने 10 लाइन बनाने के बाद ऐसे कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे हमें रोटेट करके नीचे की तरफ नॉट को लगाना है। देखिए मैंने इसको रोटेट कर लिया है, तो ऐसे रख दिया मैंने। रखने के बाद हम यहाँ पे नॉट को लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए ऊपर वाली पोर्शन है, सो इसको मैंने रोटेट करने के बाद ये नीचे की तरफ आ गया है। अब हमें वापस सेम ऐसे पहले हमने नॉट को लगाया था, यहाँ पे भी हमें सेंटर लाइन से ही काउंटिंग करना है। जो वायलेट कलर नॉट है ना उसी से हमें काउंटिंग करना है। वो पहला नॉट है उसके ऊपर सेकेंड लाइन है, ठीक है। सेकेंड लाइन की पहला नॉट पे राइट हैंड साइड पे एक वायर जा रहे, उस नॉट की वायर को लेकर हमें नॉट को लगाना स्टार्ट करेंगी। देखिए दोनों वायर को लेकर मैंने यहाँ पे बेसिक नॉट को लगा दिया। नॉट को लगाने के बाद हमें इसको टाइट करना भी बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दो दो वायर को लेकर हमें नॉट को लगाना है। देखिए ये थर्ड नॉट को लगा दिया है, सो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो थर्ड लाइन की पहला नॉट को लगा दिया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नॉट को लगा रही हूँ। ऐसे हमें इस लाइन को पूरा को भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट तक हमने आ गया है, यहाँ पे आखिरी वाला नॉट को लगाएंगी तो ये थर्ड लाइन पूरा बनकर कंप्लीट हो जाता है। सेंटर लाइन से हमें काउंटिंग करेंगी तो थर्ड कंप्लीट हो जाते, तो हमें इस तरीके से पहले से फोर्थ लाइन की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, सो इन दोनों दो वायर है ना इसको लेकर नॉट को लगाएंगी। जो साइड में तीन वायर है ना ऐसे हमें ऊपर की तरफ नॉट को लगाएंगे तो साइड में वायर इस तरीके से आएगा। पहले एक नॉट को लगाकर स्टार्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट दो दो वायर को लेकर हमें नॉट को लगाकर उस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसी तरीके से जैसे हमने पहले ऊपर की तरफ नॉट को लगाकर आधा पोर्शन को कंप्लीट किया था, सेम ऐसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ नॉट को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। एक एक लाइन पे हमें नॉट को लगाकर ऊपर नीचे की तरफ भी 10 लाइन को बनाकर सेंटर लाइन से काउंटिंग करना है, ठीक है। ये जो वायलेट नॉट है ना वो हमारा सेंटर लाइन है, उसी से ही हमें काउंटिंग करेंगे तो 10 लाइन आना चाहिए, ठीक है। 10 लाइन बनाने के बाद क्रॉस कट मेथड पे बेस बनके कंप्लीट हो जाते हैं। नीचे की तरफ भी मैंने 10 लाइन को बनाकर कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए इस तरह क्रॉस कट बैक पे बेस पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें इस पे कॉर्नर पे टर्न करेंगे, उसके बाद बैक के साइड वाल की बुनाई करेंगे। इसकी जो शेप है कुछ इस तरीके से दिखता है। स्टार्टिंग में ट्रायंगल शेप में स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो मिडिल में देखिए इस तरह से फ्लैट में आता है, उसके बाद वापस ट्रायंगल शेप में एंड होता है, ठीक है। इसकी सेंटर में जो पैटर्न है वो भी बहुत अच्छे से आ गया है। सो इसकी जो कॉर्नर टर्निंग और बैक की जो साइड वाल की बुनाई होती है ना उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।